अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हेना लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, मतलब कि बेहतर हूँ पहले से। गला अभी भी मेरा बहुत ख़राब है। आगे जितना भी मेरा व्लॉग आप लोग देखेंगे उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की है और उसमें काफ़ी मेरे गले में वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए तकलीफ़ हो रही है, तो उस चीज़ को ज़रा इग्नोर करेंगा। और आज का व्लॉग मेरा किस टॉपिक पर से रिलेटेड है, थंबनेल से आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम हो गया होगा। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर आज के व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो चले चलते हैं अपने व्लॉग की। सबसे पहले मैं ये बात आप लोगों के साथ बोलना चाहूँगी कि बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी ज़रूर होनी चाहिए, बेशक वो लड़का हो या बेशक वो लड़की हो। दोनों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमारी अगर उम्र भर रही है, बच्चों की उम्र भर रही है, तो बच्चों के साथ साथ माँ बाप की भी जाहिर सी बात है कि उम्र भर रही है। और उम्र के साथ वो हिम्मत वो ताकत नहीं रहती। एक माँ जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, हर चीज़ घर को अच्छे से मैनेज करके चल रही है, तो कभी अगर माँ बीमार आपकी पड़ जाए तो इतना हो कि बच्चे कम से कम अपनी जिम्मेदारियां, अपना काम खुद ब खुद कर सकें, इतना एहसास बच्चों में ज़रूर होना चाहिए। जहां तक लड़कों की बात है तो लड़कों ने ओवरऑल जो भी है वो बाहर जाके घर से बाहर की जिम्मेदारियों को उठाना होता है, वो निभाना होता है, कमा के घर में लाना होता है। और जहां तक लड़कियों की बात है कि जो मर्ज़ी हो जाए, आप लोग इस बात को मेरे साथ मानेंगे कि लड़कियों को आप जितना मर्ज़ी पढ़ा लें, लिखा लें, पीएचडी करवा लें, नौकरियां करवाएं, लेकिन एंड यही होता है कि लड़कियों ने घर संभालना होता है। ये बात बच्चियों के जहनों में बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए कि हम तुम्हें जो भी सिखा रहे हैं, जो भी काम करवा रहे हैं, वो इसलिए करवा रहे हैं कि तुमने अगलों के घर में जाके अगलों की जिम्मेदारियां उठानी हैं, और इसलिए शादी तुम्हारी होनी है, इसलिए हम तुम्हें ये सब कुछ सिखा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल बच्चियों के जहन में बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। बच्चियों को ये बताना चाहिए कि हम तुम्हें जो ट्रेन कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए ट्रेन कर रहे हैं, तुम अपने लिए ट्रेन हो रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ जाएगी अगर तुम ट्रेन हो जाओगी। एक माँ अगर बीमार पड़ गई है और बच्ची को एक अंडा भी नहीं फ्राई करना आता या कुछ भी नहीं आता है, तो वो बच्ची जो है वो मतलब के हाथ बांध के बैठी रहेगी कि मेरी माँ जब सही होगी, ठीक होगी या ज़रा सी हिम्मत पकड़ेगी तो ही वो करेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चियों को थोड़ा बहुत छोटा मोटा सब काम आना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ, मेरी ये राय है, और मैं अपने हर काम में आयज़ा को साथ साथ लगाती हूँ। अगर कस्टर्ड बनाया, ट्राइफल बनाया, तो जेली आयज़ा बना के देगी। अगर मैं जो आलू का कुछ भी काम होता है तो आलू बॉईल करना, छिलका उतारना, मैश करना, मतलब कि सारा आलू का मटेरियल रेडी करके आयज़ा मुझे देती है, और फिर मैं आयज़ा वो काम अपना स्टार्ट करती हूँ। उसके साथ साथ आयज़ा को गाइड करती रहती हूँ कुकिंग के, उससे कि बर्तन बिल्कुल भी इधर उधर नज़र ना, साथ साथ बर्तन धो, साथ जगह को साफ करो, मैस बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए। और शाम की चाय जो है होती है एक आध कप, वो आयज़ा बना के मुझे देती है। छोटी छोटी चीज़ों से बच्चियों की ये कि ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। एकदम आप कहें कि वो बिरयानी पुलाव बना लें तो ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी ट्रेनिंग से ही ट्रेनिंग करके हम बच्चियों को एक्सपर्ट बना देते हैं। और ये कि बच्चियों के पास टाइम नहीं होता, बच्चियों के पास वाकई आजकल हर सब बच्चियों के पास, मैं मानती हूँ टाइम नहीं होता, लेकिन जो भी है, टाइम हो या ना हो, ये एक बुनियादी ज़रूरत है। कम से कम बच्चियाँ काम करें घर में या ना करें, लेकिन बच्चियों को आना सब कुछ चाहिए, क्योंकि जब वक्त पर सर पे जब पड़ेगी और बच्चियां नहीं करेंगी तो ये उनके लिए मुसीबत होगी, और उस वक्त वो अपनी माँ को बोल रही होंगी कि माँ ने हमें कुछ भी नहीं सिखाया। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह छोटे छोटे काम हैं घर के जो मैं आयज़ा से करवाती हूँ। ज़्यादातर आयज़ा को कुकिंग का शौक़ है, तो इसलिए कुकिंग से रिलेटेड तो हर चीज़ में वो मेरे साथ साथ होती है। उसके अलावा भी अपना यूनिफॉर्म इस्त्री करना, रात को अपने भी और बहन भाइयों के शूज़ पॉलिश करना, नाइट सूट रात को अपना भी और बच्चों बाकी बहन भाइयों का भी रेडी करके सबको सीधा करके देना, और सब ये छोटे छोटे काम जो एक रूम में हम रहते हैं, एक रूम के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे काम मेरे साथ आयज़ा मिलजुल के करती है। इंशाल्लाह जब हमारा और कुछ अलग सिस्टम होगा तो इंशाल्लाह और भी ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी। ज़िम्मेदारियों के साथ आयज़ा की ज़िम्मेदारियां, आयज़ा की ट्रेनिंग भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आयज़ा ये कि एक आध कप अगर बॉयल राइस बनाने होते हैं तो वो आयज़ा मुझे बॉयल करके देती है, और उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि मैंने अक्सर मैं माओं को देखती हूँ कि जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं ना, तो उनके सामने मज़े मज़े की चीज़ें रखी जाती हैं, बाज़ार से ला के रखी जाती हैं, ख़ुद बना के रखी जाती हैं, और ये कहा जाता है कि हमारी बच्ची
को तो सब कुछ आता है। ऐसी बच्चियों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो अगले ससुराल अगले घर जाती हैं तो उन्हें उनसे यही तवक्को की जाती है कि इस बच्ची को सब एवरी थिंग हर चीज़ आती है, और जबकि वो कदम जब किचन में रखती है तो उसको कुछ भी नहीं आता और उनका भांडा फूट जाता है। तो झूठ पर कोई भी रिश्ते की बुनियाद नहीं रखनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ। उसके अलावा ये कि ऐसा भी होता है कि आप अपनी बच्चियों को बहुत ज़्यादा शुगर माशाल्लाह से बहुत बच्चियाँ शुगर होती हैं, बहुत सी बच्चियाँ होती हैं, लेकिन उन्हें फिर भी अच्छे ससुराल आगे नहीं मिलते हैं, अच्छे कदर करने वाले नहीं मिलते हैं। बस नसीब की दुआ ही हम कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूँगी कि मेरी जब शादी हुई है तो मेरी अम्मा ने बोला कि इसको तो अंडा भी नहीं बनाना आता। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ था और मैं भाभी को अपनी अम्मी को हर चीज़ बनाते हुए देखती थी। मुझे जो एक तरीका होता है, एक जो मेथड होता है, वो हर चीज़ आती थी, लेकिन अम्मी किसी भी चीज़ को मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। मैं छोटी थी और मैं छोटी ही बन के रह गई। और लेकिन ये कि अब मुझे अंडा एक नहीं बल्कि पांच पांच अंडे उबालने आते हैं और खिलाने भी बहुत अच्छे से आते हैं। और यहाँ लेकिन ये कि मैं उर्दू स्पीकिंग से पंजाबी फैमिली में आई और यहाँ पर भी खाने पीने के तरीके और काफ़ी चीज़ें डिफरेंट थी। अब यकीन करें कि जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की है, यहाँ ससुराल में आकर ही कुकिंग स्टार्ट की है, और मैंने हर चीज़ बनाई है, परफेक्ट बनाई है। जो उर्दू स्पीकिंग की कुकिंग थी वो भी सब कुछ परफेक्ट की, जो पंजाबियों की कुकिंग थी, इन लोगों को अपनी सास को नंदों को सबको देख दाख के वो चीज़ें भी मैंने बनाई, और सब हैरान रह गए क्या मैके वाले क्या ससुराल वाले कि इसको तो इसकी अम्मा तो कहती थी इसको कुछ भी नहीं आता और इसको तो सब कुछ आता है। तो इस कुछ लोगों ने फिर ये बोला कि इसकी अम्मा ने शायद इसलिए बोला ताकि इनकी बेटी काम ना करे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की काम ना करे, किसी के लिए ना करे, लेकिन अपने शोहर अपने बच्चों के लिए तो वह करेगी। तो इसलिए बच्चियों को आगे जाके बहुत ज़्यादा हर चीज़ मतलब कि मैं सोच भी बता भी नहीं सकती कि कितनी कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन वही बात है कि हम बहुत अच्छे से उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ, और आगे जो है नसीब की दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हमें बच्चियों को डराना नहीं है। अभी जो ट्रेनिंग हो रही है ना आयजा की, जैसे तो मैं सिर्फ उसको ये कहती हूँ कि ये मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ट्रेनिंग कर रही हूँ कि कल को अगर मैं बेड पे पड़ गई, मुझे कुछ हो गया, मैं हॉस्पिटल में चली गई, तो तुम कम अज़ कम अपना भी और अपने बहन भाइयों को भी भूखा ना मारो, कुछ बना के खिला दो। ब्लॉग में पीछे से बहुत शोर आ रहा था बच्चों का, वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने बहुत मुश्किल से की थी। आज का मेरा व्लॉग, आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।